17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री का जन्मदिन और प्रधानमंत्री के जन्मदिन जो तैयारी बिहार सरकार ने की है उसके क्या कहने। बिहार की नीतीश सरकार ने प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के मौके पर प्रदेश में कोविड टीकाकरण के महाअभियान का आयोजन किया है। बिहार में आज कम से कम 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 50,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। 15,000 के करीब टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन टीकाकरण के महाअभियान से जुड़ा जो तथ्य बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी ने रखा उसे देख सुन आप हैरान रह जाएंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड टीकाकरण करवाने के लिए कुछ दिनों से प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार को सुस्त कर दिया गया है ताकि 17 सितंबर को रिकॉर्ड टीकाकरण हो सके। कल 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर बीजेपी ने महाअभियान चलाने की बात की है। बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा, 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसका मतलब है इसे इवेंट बनाया जा रहा है कि जानबूझकर पहले लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, रोका गया था कि 17 सितंबर को दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आ रही है बात कि जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों डरे हुए हैं बीजेपी से, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में सीएम को बीजेपी ने बदल दिया, बाकी कुछ राज्यों में भी, कर्नाटक में, उत्तराखंड में सीएम को बदला, नीतीश कुमार जी भी डरे हुए हैं कि बिहार में भी बीजेपी सीएम को ना बदल दे, इसलिए लगे हुए हैं बीजेपी के अभियान को सफल बनाने में, बीजेपी की तरफदारी में। आखिर क्यों रुक करके स्लो किया गया वैक्सीनेशन का कार्य को, ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर ही लोगों को महाअभियान चलाकर आप वैक्सीनेट करेंगे? अगर यही काम प्रतिदिन क्यों नहीं हो। अब आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति करने के बजाय विपक्ष को भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जब किसी भी राजनेता या जननेता का जन्म दिवस होता है तो आम जनमानस से लेकर पार्टी कार्यकर्ता नेता सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो किसी नेता ने अगर अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया है तो उसके जन्मदिन पर तो सब लोग खुशी का इजहार करेंगे ही। कोविड के इस मुश्किल दौर से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए और कोविड के इस दौर में बेहतर काम भी किया है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बिहार की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का फैसला लिया है, यह बेहद स्वागत योग्य चीज है। कहा तो विपक्ष के लोगों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, आम लोगों को प्रेरित करना चाहिए था कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी से जंग जीतने की ओर हम अग्रसर हो सके। लेकिन ये लोग तो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। खैर, इन लोगों को लोगों की चिंता तो कभी होती नहीं है, सामाजिक सरोकार के कामों से तो मतलब होता नहीं है, ये पॉलिटिकल एंगल तलाशते ही हैं। अरे ये तो ऐसे लोग हैं ना जो अपने जन्मदिन का केक भी चार्टर्ड प्लेन में काटकर अपने धन बल का प्रदर्शन करते हैं। खैर, इनके कुछ भी नकारात्मक बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार की जनता इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करेगी और कोविड की तरफ जंग जीतने की ओर हम और अग्रसर हो पाएंगे। बता दें कि बीते 3-4 दिनों के वैक्सीनेशन डेटा पर हम नजर डालें तो 13 सितंबर को जहां 9,42,983 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया था, वहीं 14 और 15 सितंबर को ये घटकर सीधा 3,00,001,00 के करीब आ गया। और आज यानी 17 सितंबर को कम से कम 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट रखने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि वैक्सीनेशन की ये सुपर रफ्तार केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक ही सीमित क्यों रहे। पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार।